देखिए भी कहाँ कहाँ है इसकी आपको कल्पना नहीं। जैसे एक उदाहरण बताता हूँ, मैंने भी आपको बताया कि कल्पेश की शादी है, उसका रूम वूम बनना था, मैं रात को 9 बजे आया। मेरे यहाँ ऐसा कि भोजन के वक्त कोई भी आए तो उसको भोजन कराते, ये हमारे एक परंपरा है घर की, मेरे माता जी के समय से, मेरे नाना जी के समय से। तो मैं रात को 9 बजे आया, मैं सीधे अपने रूम पे गया तो उसके सामने उसका रूम बनता था, वहाँ पर एक थाली के अंदर 6-7 मजदूर इतने सारे पोहे, मतलब कम से कम 10 प्लेट एक थाली में रखे पोहे खा रहे थे। मैंने कहा यार पोहे क्यों खा रहे थे? मैंने अपने सर्वेंट को बताया, मुझे क्यों भाई, इनको रोटी वोटी नहीं बने? बोले साहब ये रोटी खाती नहीं, क्यों? बोले साहब ये पोहे खाते हैं बस। मेरे को शंका हुई कि कौन से देश के यार सिर्फ पोहे खाते हैं और थाली भर भर के। मैंने पूछा कहाँ गए भाई तुम लोग, तो हिंदी बोल नहीं पाए। ठेकेदार का सुपरवाइजर था, वो बोला कि मैं थोड़ा सा गर्म पानी बनाते हैं। ठेकेदार का जो बंदा था वो बोला कि सर ये बंगाल के। तो मैं क्या बंगाल के कौन से डिस्ट्रिक्ट के? मेरा तो बंगाल चप्पा चप्पा छाना हुआ, मैं कम से कम एक एक डिस्ट्रिक्ट में 10-10, 15-15 बार गया हूँ। उनके कौन से डिस्ट्रिक्ट के? वो कुछ बता ही नहीं पाया। मैंने कहा भाई कहाँ क्यों तुम लोग? मेरे को शंका हुई मुझे। ठेकेदार को बुलाया मैंने सुबह, मैंने कहा ये कहाँ के लोग हैं? तो सर शायद ही सर ये बाहर के हैं सब। तो मैंने कहा तुम इनको कैसे मेरे काम में लगाए? बोले सर ये सस्ता लेबर है। बोले कैसा, क्या मतलब? बोले सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक काम करते हैं, दो टाइम खाना देते हैं, 300 रुपये लेते हैं, और अपना मजदूर 600 रुपये लेता और 5 बजे काम बंद कर चले जाता है, इसलिए हम इन मजदूरों पर। बांग्लादेश के देखो आप लोग इतने सालों से मुझे देख रहे हैं, मैंने कभी मंत्री भी था तो सिक्योरिटी रखी कभी? आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ पर एक बांग्लादेश का आतंकवादी 1.5 साल से मेरी रेकी कर रहा था। Now be the first to know about the latest updates on our new news app. Go on your Android or iOS, search for HW News Network. Download our app, choose the language you prefer to get updates in, and be up to date with the latest news.